हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं प्लेन मिरर की थर्ड वीडियो। तो कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये है हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, और इमेज की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे बेसिकली चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन चार कॉन्सेप्ट्स को लेके ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि इमेज स्पीड जो होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है ऑब्जेक्ट स्पीड के। इसका मतलब क्या, जरा समझते हैं। ये मैंने एक केस लिया है, ये एक मिरर है अपने पास, प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है वी ओ। इट मीन्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, वी ओ। तो हमने प्लेन मिरर की फर्स्ट वीडियो में जब इमेज बनाना सीखा था तो हमने वहाँ देखा था कि जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से सेम इक्वल डिस्टेंस पे ही इमेज बनाएगा अपनी। अगर ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे है तो इमेज भी हमारी कहाँ होने वाली है, यहाँ कहीं डी डिस्टेंस पे, राइट। अब ये मिरर ऐसे खड़ा है और ऑब्जेक्ट ऐसे इसको अप्रोच कर रहा है, तो इमेज क्या करेगी, उससे दूर भागेगी या उसकी तरफ आएगी। तो इमेज क्या करेगी, अगर ये मिरर के मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इमेज भी क्या करेगी, इसके पास आएगी। तो इस केस में क्या होता है, जो मिरर इमेज होती है मिरर के वो ऐसे आएगी, राइट। तो क्या बोला था कि जो इमेज स्पीड है वो ऑब्जेक्ट स्पीड के, ये इमेज स्पीड हो गई और ये ऑब्जेक्ट स्पीड हो गई, राइट। और अगर बात करेंगे यहाँ वेलोसिटी की, तो अगर मैं इसमें डायरेक्शन लगाऊंगा तो डायरेक्शन हमें फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन की वजह से ये डायरेक्शन हम हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो होती है मिरर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, इसके अपोजिट नेगेटिव। ये था हमारा बेसिक सा पहले था स्टेप। अब इस पर कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम करते हैं। जैसे कि अभी तो सिर्फ हमारा क्या था, मिरर जो था वो स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, तो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था। तो इमेज क्या करेगी, इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करेगी उसे। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ये स्पीड होगी वी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वी ऑफ इमेज। और अगर बात करेंगे वेलोसिटी की तो वहाँ एक डायरेक्शन लग जाएगी। ये तो हो गया जब बेसिकली हमारा मिरर क्या आता है, रेस्ट पे। तो दूसरा केस जो हमने ले रखा है, इसमें हमारा मिरर भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, राइट। तो मिरर, ये हमारा एक मिरर है, ये वी एम स्पीड से या वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, वहीं ऑब्जेक्ट जो है वी ओ स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है। अगेन इसकी अगर इमेज बनाते हैं तो इमेज की लोकेशन होगी कुछ इसी की एक्सिस पे, सेम डिस्टेंस पे अप्रोच मान लिया हमने, ये इमेज बन रही है। अगर ये वी ओ वेलोसिटी से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये वी आई स्पीड से इसकी तरफ अप्रोच करेगी। अब यहाँ ध्यान से अगर देखें, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, मिरर उसकी तरफ आ रहा है और इमेज भी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है मोशन का, कौन सा, रिलेटिव मोशन। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। बस फर्क कितना आ रहा है कि इन दोनों में जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ऑब्जेक्ट के। तो क्या कह रहा है कि यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अगेन मिरर। तो ये तो हो गया वी ओ एम और ये हो गया वी आई एम, बट नेगेटिव, राइट। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो तभी वेलोसिटी का साइन हटा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, राइट, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो, इसके लिए अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि v ऑफ o माइनस v ऑफ m, और वही ये होता है माइनस v ऑफ i माइनस v ऑफ m, क्लियर। इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, माइनस v i माइनस माइनस ये हो गया प्लस वी एम, राइट, इधर बच गया वी ओ माइनस वी एम। अपने को क्या निकालना है, इमेज की स्पीड।
इसको इधर लेके आते हैं तो v ऑफ i बराबर ये आ गया v ऑफ m प्लस v ऑफ m माइनस v ऑफ o, तो अपने पास आ गया 2vm माइनस vo प्लस टू वी आई। तो ये बन गया कॉन्सेप्ट। इस केस में क्या होगा, अब हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि वी आई इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो 2 times मिरर की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी, कब, जब ऑब्जेक्ट और मिरर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट। अगर ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, अब जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन देख के उसके अकॉर्डिंग इसका साइन कन्वेंशन यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमें बार बार इतना बड़ा ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी हमें एंट्रेंसेस में अपना टाइम बचाना है, राइट। तो अगला केस जो है मैंने इसी का अपोजिट ले लिया, जैसे कि ये रहा, इसमें हमने क्या करा, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, इसकी स्पीड हमने मान ली वी ओ, ये मिरर है, इसकी स्पीड मान ली वी एम, सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहीं यहाँ होगी, ये इसके बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप आगे की वी आई इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे क्या कहता है, वी ऑफ आई इक्वल्स टू वी ऑफ एम माइनस वी ऑफ ओ, राइट। अब जरा ध्यान से देखें तो वी ऑफ एम सेम उस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, जहां से लाइट के डायरेक्शन में, वी ऑफ ओ जो है वो क्या हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या चेंज हो गया, इस केस में हो गया हमारा प्लस वी ऑफ ओ। तो इमेज की जो वेलोसिटी है वो है 2 times मिरर की वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो क्या करा हमने, मिरर इस बार इस डायरेक्शन में था, ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसके रिस्पेक्ट में इमेज क्या करेगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जैसे कि हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये मिरर से दूर भाग रहा है और मिरर से जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, ये बेसिकली साइन कन्वेंशन होता है। तो ये ले लिया हमने नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, कॉन्सेप्ट चेंज होकर प्लस का आ गया। इट मीन्स कॉन्सेप्ट हमारा तो यही है मेन, बस हमने क्या करा साइन कन्वेंशन को यूज कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि दो दो कॉन्सेप्ट याद करने की, अपने पास एक है हम उस एक को ही यूज कर लेंगे, बस साइन कन्वेंशन जैसे इसमें हमने लगाया वेरिएबल्स के टर्म्स में तो वैसे ही यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि ये केस आ गया बिल्कुल इससे मिलता जुलता, इसमें क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, ध्यान से देखते हैं इसको, देखिए ये जा रहा ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इमेज किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 meters per second, इमेज की हमें पता ही नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। मिरर हो गया अपने पास, क्या हो गया मिरर 4 meters per second। आप जरा इसको एक बार देखो और सोचो जब तक समझो कैसे होगा, मैं थोड़ी देर के कुछ सेकंड के लिए आप इसको सोचिए समझिए करके देखिए, नहीं होगा तो फिर मैं कराता हूँ। हुआ, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट अपने पास वही है कि वी आई जो है वो 2 times वी ऑफ एम माइनस वी ऑफ ओ। अब ये दोनों इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों तो हो गए, ये तो अपना हो गया पॉजिटिव 2, वी एम की वेलोसिटी कितनी है 4, वी ओ की वेलोसिटी क्या है, ये भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, अगेन सेम पॉजिटिव, तो 3, ये हो गया 2 4 8 माइनस 3, तो आंसर आ गया अपने पास 5 meters per second, राइट। तो कॉन्सेप्ट अपना वही पकड़ना है हमेशा, अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट है, ये इसको भी भूल जाइए, ये है तो आप ये भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक्सिस बना लेते हैं, ये होगी एक्सिस, राइट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है 3 meters per second की स्पीड से, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 3 meters per second, इमेज की जो स्पीड है वो है 5 meters per second, इसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसे बनेगी, ये दूर भाग रहा है तो इमेज भी दूर भागेगी, ये हो गया वी आई, यही तो फाइंड आउट करना है अपन को।
चलिए फिर से वही कॉन्सेप्ट कि इमेज की वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है टू टाइम्स मिरर की वेलोसिटी माइनस वीओ। अब जरा देखिए टू वीएम देखिए इस डायरेक्शन में है तो फाइव माइनस वीओ ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का थ्री। क्वेश्चन आ गया टेन माइनस वन प्लस थ्री आंसर आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। राइट कॉन्सेप्ट फिर से मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट वही पकड़ के चलेंगे। राइट कॉन्सेप्ट वही है बस अपने को क्या करना है डायरेक्शन भी आपको खेलना है। अगर डायरेक्शन सीख गए पकड़ना तो बाकी सब हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। राइट ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम अपना। ये जो अपने केस लिए हमने ये जो भी केसेस हैं ये सारे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर ये सारे देखिए ये ऑब्जेक्ट हमेशा और इमेज मिरर के क्या है परपेंडिकुलर। अभी तक हम कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब हम जो करने वाले हैं वो है पैरेलल। राइट कि जब ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर, ऑब्जेक्ट जब मिरर के क्या होता है पैरेलल होगा तो कुछ नहीं करना अपने को। ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है इस वेलोसिटी से तो मिरर इस बार मिरर तो वही है अपना। अब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज कैसे जाएगा ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी सेम डिस्टेंस पे। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा एक्स। ये इमेज यहाँ बनेगी और तो इसकी वेलोसिटी सेम। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी और जो इमेज की स्पीड होगी वो हमेशा इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट इजी है चलिए इसको देख लीजिए एक बार। तो ये हो गया पैरेलल का। पैरेलल में क्या होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड दोनों इक्वल रहेगी और परपेंडिकुलर में क्या होगा दोनों ऑपोजिट में होगी। उसमें भी अगर केस आ जाता है मिरर मोशन में या तो उसमें फिर चेंज हो जाता है। राइट ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रयोग। अब अपना सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो इमेज वेलोसिटी है और जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो दोनों क्या करते हैं सेम एंगल बनाते हैं प्लेन मिरर के साथ बट ऑपोजिट साइड्स पे। तो क्या कह रहा है जरा समझते हैं जरा इसको थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्लेन मिरर हो गया। राइट प्लेन मिरर ये ले लिया हमने एक एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मान लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट और ये जा रहा है वीओ स्पीड से। राइट तो उसी केस में स्पीड का वीओ वेलोसिटी एंगल पे तो इमेज भी सेम डिस्टेंस पे जैसे कि मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस एक्स है तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ही क्या बनेगी इमेज बनेगी। ये बन गया इमेज। राइट आई अब क्या कह रहा है अगर ये एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे ये एंगल क्या करेगा ये भी थीटा ही क्रिएट करेगा। वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। राइट सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या कह रहा था सेकंड कॉन्सेप्ट अगेन देखते हैं कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जिस एंगल पे इंक्लाइंड होगा या जिस जो एंगल बना रहा होगा वही सेम एंगल आपका क्या करेगा इमेज भी क्रिएट करेगा। क्लियर राइट अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा होता है जब इमेज के सामने तो उसकी इमेज मिरर के सामने तो उसकी इमेज भी क्या बनती है सीधी। अगर वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है टेढ़ा हो जाता है तो उसकी इमेज भी क्या हो जाती है टिल्ट। तो जितने एंगल पे वो टिल्ट होता है उतने ही एंगल पे इमेज भी अपना पोजिशन चेंज करती रहती है। थर्ड केस कह रहा है अपना जो कॉम्पोनेंट वेलोसिटी के वो कॉम्पोनेंट जो मिरर के अलोंग होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। ये हो गया अपना प्लेन मिरर राइट।
फिर से क्या करेंगे, इसकी एक्सिस, ये हमने एक एक्सिस बना ली, राइट। क्या कह रहा है अलोंग, तो फर्स्ट केस तो वही है अपना कि मान लेते ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये थीटा एंगल पे मान लेते इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका कंपोनेंट क्या कह रहा है अलोंग था, तो सेम जितने डिस्टेंस पे ये इंक्लाइंड है तो सेम एक्स डिस्टेंस हम इमेज बना लेते हैं। ये आ गया अपना इमेज, चलो इमेज आ गई अपनी, आई पोजीशन आ गई, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब अलोंग द कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, अलोंग द मिरर, तो मिरर को रिजोल्व कैसे, कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व करते हैं, हम दो डायरेक्शन रिजोल्व करते हैं, एक तो होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है अपना हॉरिजॉन्टल। सेम इसको भी रिजोल्व करेंगे परपेंडिकुलर, एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, राइट। रिजोल्व कर दिए, एक ये रहा एंगल के साथ वाला, एंगल के साथ वाला क्या होता है कोस का कंपोनेंट। सेम इधर भी क्या होगा, ये होगा वी नॉट वी आई कोस का कंपोनेंट, वहीं इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा वी नॉट साइन थीटा, यहाँ पे ये क्या होगा वी आई साइन थीटा, राइट। हो गया, अब क्या कह रहा है अलोंग, अब अलोंग कौन सा, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया, परपेंडिकुलर अलोंग तो हुआ नहीं, अलोंग वाले कंपोनेंट हो गए ये, तो ये कह रहा है कि जो वी नॉट साइन थीटा होगा और जो वी आई साइन थीटा होगा वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, राइट। तो ये हो गया कि वी नॉट साइन थीटा और वी आई साइन थीटा दोनों के दोनों अलोंग द मिरर है, ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे हमारे, इक्वल रहेंगे, इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट, अब नेक्स्ट कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होंगे मिरर के वो कैसे होंगे, वो इक्वल भी होंगे और ऑपोजिट भी होंगे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया केस, राइट। तो क्या कह रहा है, एक मिरर यहाँ पे हम बनाते हैं, ये लिया हमने मिरर और ये मिरर का लिया हमने एक्सिस, राइट, ये ले लिया मिरर, अब ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट जो कि क्या बना रहा है एंगल वीओ, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा एंगल, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम एक्स हो जाएगा, ये हो गया वी आई। अब इनके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो ये रहा जो कि होगा वी नॉट कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया जो कि है वी आई, तो यही दो कंपोनेंट है जो मिरर के परपेंडिकुलर है, और ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर तो है, ये दोनों इक्वल भी होंगे, तो जब इमेज वेलोसिटी इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे कंपोनेंट उनके। बट जैसे हमने फर्स्ट केस किया था स्टार्टिंग में, जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने देखा था अगर वी नॉट इस डायरेक्शन में आ रहा है, वी आई इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों ऑपोजिट है और नेगेटिव साइन लग जाता है, सेम इस पे भी क्या लग जाएगा नेगेटिव साइन, तो वी नॉट कॉस थीटा और वी आई कॉस थीटा दोनों क्या होंगे इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ये थे हमारे चार कॉन्सेप्ट बेसिकली बेसिक से, अब इन पे हम एक दो जरा कर लेते हैं थोड़े से अच्छे से कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो पहला केस अपना देखिए, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से और इसको समझिए और ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन लेके आए हम, क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही अलग अलग क्या कर रहे हैं, दोनों ही मोशन में हैं, अलग अलग वेलोसिटी से हैं और अलग अलग एंगल्स पे इंक्लाइंड है। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ जा रहा है 20 डिग्री मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 37 डिग्री के एंगल से, वही मिरर उसकी तरफ आ रहा है 53 डिग्री पे बट स्पीड इसकी अलग है। इसमें हमें क्या निकालना है, इससे हमें इमेज
वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इमेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास मिरर की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, उसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो, और उसके पैरेलल कंपोनेंट भी पता होने चाहिए, और साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी पता होनी चाहिए जो उसके परपेंडिकुलर होता है और पैरेलल भी। तो चलिए हम इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व हम कैसे करेंगे, इन दोनों को रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, राइट, ये कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व। ये है 37 डिग्री, ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, 20 एंगल के साथ वाला कॉस 37, ये हो गया 20 sin 37, राइट। तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई वी ओ, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि वी ओ कॉस 37 इक्वल्स टू, अब ये कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। V नॉट 37, तो ये कितना हो गया 20 into cos 3/5 = 4/12, तो ये आ गया अपने पास 12 meter per second, राइट, परपेंडिकुलर। तो सेम हम कर लेते हैं मिरर को भी। तो ये आ रहा मिरर, ये इसका एक कंपोनेंट और ये इसका दूसरा कंपोनेंट। ये आ रहा है VM, ये एंगल बना रहा है 53, तो ये हो गया VM cos 53, ये हो गया VM sin 53, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये VM sin 53। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, VM sin 53, तो पहले हम 37 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लेते हैं, 37 3 4 और 5, तो ये हो गया 53। तो VM की वैल्यू दे रखी है अपने को 30 sin 53 4/5 6 6 4 20, ये आ गया 24 meter per second, राइट, ये तो आ गया 24 meter per second, ये किसकी आ गई, VM की 24 ही आई है ना, 5 6 6 4 P/H, राइट, 24 meter per second आ गया। तो यहाँ से तो आ गया अपने पास 24 meter per second 6, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये दोनों आ गए इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता था इमेज का, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए निकाला था, हमने निकाला था 2VM - VO। चलो अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2VM का कंपोनेंट की कितनी आई थी 24, VO आया है हमारा 12। अगर डायरेक्शन की बात करें, ये जा रहा है ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ तो पॉजिटिव, मिरर जो जा रहा है ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में थे नेगेटिव, ये हो गया माइनस का 48 माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 60 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया परपेंडिकुलर। वहीं अब बात करते हैं हम पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल हो गया ये जो कि है 20 sin 37, तो कितना आ गया 20 into sin 37, इट मीन्स P/H, राइट, ओ यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी हम लोगों ने, एंगल इसको परपेंडिकुलर को हमने 3 ले लिया, यहाँ हमने बेस की वैल्यू पुट कर दी, राइट, कोई नहीं, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो बेस रहेगा ये 4/5, तो ये आ गया 16, राइट, तो यहाँ पे ये जो है ये 16 आ जाएगा, बस 16 के इसमें चार और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 64, राइट, ये हो गया 64। अब साइन 37 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/5, तो ये आ गया 12 meter per second, ये आ गया 12 meter per second। अब हमने पढ़ा था कि पैरेलल कंपोनेंट में जो वी ओ होता है वही क्या होता है वी आई, तो ये दोनों क्या हो गए 12 meter per second, तो ये परपेंडिकुलर भी निकल गया। और लेकिन कभी कभी ना केसेस क्या होता है, कहता है इन दोनों का जो पैरेलल कंपोनेंट है और जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पैरेलोग्राम लॉ को। तो पैरेलोग्राम लॉ कैसे ले आएंगे, एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक हो गया ये,
और ये तो हो गया अपना नेट। ये कैसे हो गया, देखिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर मिरर का परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया जो अलोंग था, इसकी वैल्यू आई है अपनी 12 मीटर पर सेकंड, इसकी आई है अपनी माइनस का 64। तो माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा अपने को, राइट। तो ये आ गया एंगल थीटा पे निकल रहा था वी नेट। अगर इसको वेक्टर की टर्म में लिखना है तो हम इसको वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं कि जो वी ये है माइनस का 64 एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, डायरेक्शन की इसके अपोजिट है, प्लस का 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर इसका वी नेट सॉल्व करना है तो पैरेललोग्राम लो लगा दो, अंडर रूट 64 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये तो आ गया अपना कॉन्सेप्ट, मेन क्या अपने को कॉन्सेप्ट समझना। और अगर डायरेक्शन की बात बोल दे तो डायरेक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला है ही कि जो टेन बीटा होता है वो होगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा कितना हो जाएगा, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा 12 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 64 प्लस 12 कॉस थीटा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा मेन क्या है, कॉन्सेप्ट। वैल्यूज तो हमारी चेंज हो गएंगी, वैल्यूज हम निकाल लेंगे, मेन होना चाहिए अपने को कॉन्सेप्ट पकड़ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो चलिए इसको एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए एक और केस करते हैं इसका, इसी से रिलेटेड, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ 60 डिग्री पे 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, वहीं ये मिरर है जो उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अपने को करना है इसको रिजॉल्व। तो यहाँ कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व, और यहाँ कर लेते हैं हम मिरर को रिजॉल्व। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट, तो ये एंगल बना रहा है 60। एंगल के साथ का वाला कंपोनेंट होता है कोस का, और ये हो गया साइन का, तो ये हो गया 8 साइन 60। सेम मिरर में ये बना रहा है 30 डिग्री, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड के, तो ये हो गया 5 कोस 30, और ये हो गया 5 साइन 30, राइट। अब जरा इनके परपेंडिकुलर वाले पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला है परपेंडिकुलर मिरर के 8 कॉस 60, तो कॉस 60 पे कितनी वैल्यू होती है, 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2, और उसकी वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2, राइट। तो ये तो होगी साइन की वैल्यू, इसके अपोजिट होगी, चलो ये हो गया 8 इंटू 1 बाई 2, तो ये आ गया अपन पास 4 मीटर पर सेकेंड। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ये 5 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है 5 रूट 3 बाई 2, तो आ गया 5 रूट 3 बाई 2। अब इमेज स्पीड क्या होती है अपनी, वी आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम माइनस वी ओ, 2 टाइम्स वी एम कितना है, वी एम आया अपने पास 5 रूट 3, और ये आया है 4, तो 5 रूट 3 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 इंटू 4 15 1 35 36 8.65, सॉरी ये माइनस था, माइनस 4, तो ये आ गया 4.65 मीटर। ये तो आ गया वी आई जब परपेंडिकुलर हो। अगर हम बात करें पैरेलल की, तो ऑब्जेक्ट ये जा रहा है हमारा पैरेलल वाला, तो ऑब्जेक्ट में हम कवर रहे हैं पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट अपना क्या है, ये है 8 साइन 60,
तो 8 इंटू साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, तो ये आ गया 4 रूट थ्री, ठीक है 4 रूट थ्री मीटर पर सेकंड। और हमने पढ़ा है कि जो वी नॉट होता है वही वी आई के बराबर होता है, तो ये हो गया 4 रूट थ्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आज क्या बेसिकली पढ़ा कि ऑब्जेक्ट और इमेज अगर वेलोसिटी में हो, ऑब्जेक्ट और मिरर वेलोसिटी में हो तो इमेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस पर आप और क्वेश्चंस ट्राई करना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।